मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट गुड मॉर्निंग टू दोज हु आर फ्रॉम इंडिया एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम सार्थक एंड NAAI टू ऑल दोज हु आर आउटसाइड इंडिया. ओके, सो दिस पर्टिकुलर सेशन जिसको हमने नाम दिया है सुपर आइडोल पैनल लीडिंग बाई एग्जाम्पल नैरेटिव्स बाई चैंपियंस विद डिसेबिलिटी, आई सपोज दिस सेशन एज्यूम्स सिग्निफिकेंस basically because of the kind of impact which it is going to leave on persons with disability, their parents, caregivers, PWD stakeholders, policy formulators, PWD activists. We are happy we have more than 15,000 participants taking part in this session in India and abroad. And you can well realize the importance of this particular session. When I was going through the information sheet, तो उसमें मैंने देखा कि discussion pointers कुछ इसमें दिए गए हैं. मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलाकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उन discussion pointers में एक तो लिखा गया है कि sharing life journey of the panelist, that is one. That of course each one of us would be doing. और एक दूसरा जो pointer है उसमें लिखा हुआ है कि what are the pressing requirements of persons with disability from PWD perspective. और pressing requirement को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा एक order में डालने की कोशिश की है. तो just briefly मैं बताना चाहूँगा कि person with disability definitely need first of all diagnostic services, timely diagnose, recognizing the disability which has to be basically done by the sufferer and the parents and the caregivers. Then comes rehabilitation, thereafter comes education of persons with disability, and maybe after education we go for vocational training, and once the vocational training or education is completed, तो उसके बाद में फिर बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप. एंड ऑफ कोर्स देयर वुड ऑलवेज बी कंटिन्यूअस सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय द स्टेक होल्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ फुल एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. मेडिकल केयर एंड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इज अनदर एरिया जो कि कई बार काफी निग्लेक्ट भी हो जाता है. और एक प्रॉपर कैरियर गाइडेंस टू पर्सन विद डिसेबिलिटी. और लास्टली आई वुड से कि जो एक एरिया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हमारा कि एंश्योरिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स. तो ये कुछ चीजें हैं. अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली आपको बता देता हूँ. मेरी जो डिसेबिलिटी के साथ में जो मेरा संबंध रहा है, ये संबंध अब मैं कहूँगा इट्स ऑलमोस्ट 42 पर्सन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद 1986 में मेरा सेकंड बेटा जब उसने जन्म लिया, तो उसके एक डेढ़ साल के बाद में हमें पता चला कि ही इज बॉर्न विद प्रोफाउंड सेंसरी नर्व डेफनेस. तो प्रोफाउंड सेंसरी नर्व डेफनेस के चलते उसके एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड नाउ ऑफ कोर्स बीइंग पार्ट ऑफ द फैमिली, तो उसमें जो कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ काम करने का हमें मौका मिला है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. और जो मेरे 42 पर्सन ईयर्स ऑफ वर्क इन द एरिया ऑफ डिसेबिलिटी जो मैं कहता हूँ वो है बेसिकली 35 साल का मेरा बेटा हो गया और 7 साल की डॉटर इन लॉ है. And they are both deaf, and we have had hands-on experience of experiencing disability and working in this area. तो इसके चलते हमें education for person with disability इसमें काफी काम करने का मुझे मौका मिला, both at regional level, local level, and also at the national level. जब मैं job में था with government of India, मैं यहाँ मैं कार्यरत था चंडीगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और उसमें मैंने 35 साल काम किया. उससे पहले 5 साल मैंने पब्लिक सेक्टर कंसल्टिंग में काम किया और 1 साल इंडस्ट्री में भी काम किया. तो
डिसेबिलिटी में जो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया बिकॉज ऑफ माय सन, तो उसके चलते ऐसा हुआ कि हमने इतना काम चंडीगढ़ में किया कि एक ऐसी स्टेज आ गई कि 2013 में माय इंस्टीट्यूट वाज एडजस्ट एज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर द कॉज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और हमें प्रेसिडेंट अवार्ड भी 2013 में मिला अलॉन्ग विद कैश प्राइज ऑफ 2 लाख रुपीज। एक वो था। उसके बाद में नेचुरली अगर किसी उस लेवल पर अगर रिकॉग्निशन होती है किसी भी रोल मॉडल की, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर जिम्मेदारी और आ जाती है। और जब हमारे को एक पब्लिक रिकॉग्निशन कंट्री वाइड ये मिल गई, तो उसके बाद में हमने अपने एफर्ट्स और डिसेबिलिटी एरिया में काम करने के लिए किए। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसमें हुआ क्या कि 2016 में इवन इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी आई गॉट NCPEDP हेलन केलर अवार्ड। 2017 में मुझे पंजाब एजुकेशन एंड समिट अवार्ड भी मिला, और 2018 में मेरे बेटे को जो कि डेफ है उसको ऑल इंडिया स्किल अवार्ड सेकंड पोजीशन सिल्वर मेडल अलोंग विद 75,000 रुपया जो वो प्राइज होता है वो भी मिला। और इन बिटवीन जो मेरी डॉटर इन लॉ है शी इज ऑल्सो डेफ, शी एंडिड अप गिविंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू 309 डेफ पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ लिटल मोर देन 3 ईयर्स, और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ये रिकोगनाइज हुआ 2017 में, एंड शी इज ऑल्सो ए प्रेजिडेंट अवार्डी 2017 की। और वो मुझे सेकंड मौका था कि विज्ञान भवन में जाकर हमें वो अवार्ड प्राप्त करने का मौका मिला। इसके साथ साथ चलते जो मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जो मैं बात कर रहा था आपसे, जब मेरे बेटे ने किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से 10वीं कर ली विद सेकंड दिस थिंग सेकंड डिवीजन मार्क्स, और फिर उसने मुझे पूछा कि पापा मेरा कॉलेज कहाँ, मैं किस कॉलेज में जाऊँगा। अब आई वॉज ए प्रोफेसर एट दैट टाइम, knowing fully well Indian education system, कि Indian education system में 10+2 करने के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो 12वीं तो होनी चाहिए, और 12वीं मुझे पता था कि वो 12वीं करना उसके बस की बात नहीं है। And that's what really forced me to think of कि how do I really make him get into a college with matriculation qualification। इतना समय नहीं है कि मैं पूरी ज़्यादा डिटेल में इसमें जाऊँ, बट जस्ट टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2 कोर्ट केसेस फाइट करने पड़े, सक्सेसफुली फाइट किए, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में वहां में 4 साल का स्पेशल डिप्लोमा इन फाइन आर्ट फॉर द डेफ इन ए इंक्लूसिव एनवायरमेंट वो कराया, और एक और डिप्लोमा कराया है जिसका नाम है 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा इन फाइन आर्ट। तो ये दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और आप कभी भी देखना चाहें तो 24 डेफ बच्चे अलोंग विद अनदर 300 PWDs सॉरी 300 हियरिंग स्टूडेंट वो वहां में पढ़ते हैं, और हर साल 8 आर्टिस्ट वहां से निकलते हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक हमारा योगदान उसमें रहा है। जो काम करने का मौका मिला उसमें मेरे ख्याल में ये लीगल केसेस और ये वो, मैं समझता हूँ कि कोई भी डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट, आप सब डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, सबको पता है कि हमारा काम दूसरों से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, और ये काम जितना हमने कभी जीवन में हार नहीं मानी है किसी भी उस तरीके से, और जितना हो सका हमने इसको काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सब कुछ किया। अब क्योंकि मैं इस तरह के काम में इन्वॉल्व था, तो 2013 की बात है कि समहाउ आई गॉट इन कॉन्टेक्ट विद श्री अग्रवाल जी, और अग्रवाल जी का मुझे पता चला कि वो दिल्ली में काम करते हैं, उन्हें हमारा पता चला कि मैं चंडीगढ़ में काम करता हूँ, वो एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग में बात करते थे, हम प्लेसमेंट की बात करते थे, और मैंने CII PHDCCI और दूसरे चैम्बर्स के साथ में भी मिलकर काफ़ी काम किया। तो 2013 में ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि वाई नॉट वी ज्वाइन हैंड टूगेदर, वी वर अप्रोच्ड बाई सार्थक। तो 2013 की बात है और 2020 खत्म होने वाला है अभी, तो पिछले लगभग 7.5 साल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ और सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट हमने लगभग वी कुड रीच टू ऑलमोस्ट 5,000 पर्सन विद डिसेबिलिटी। डॉक्टर जसमीर सर काइंडली फिनिश इन 30 सेकंड्स। डॉक्टर जसमीर थैंक यू। तो ये हमने किया, और जस्ट टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमने
5,000 डिसेबल्ड में से लगभग 1,000 को उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवा दी और काफी कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, तो उनको मैं अभी भूल जाना चाहूंगा, या आगे अगर डिस्कशन होगी तो उसमें बात कर लेंगे। लेट मी नाउ क्विकली डू माय जॉब, एंड माय जॉब वाज टू इंट्रोड्यूस दी आवर ऑनरेबल मॉडरेटर। सो आई हैव दी पायस ड्यूटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग श्री नरंजन जी, हु वाज एक्स जनरल मैनेजर विद आईटीसी होटल, worked at various places, particularly this thing, ITC Bay Island in Port Blair, where he was there in 1990. और उसके बाद में उन्होंने environment और sustainability में बड़ा भारी काम किया है. He has trained more than 2,600 teachers in 1,200 schools, including some rural schools. और निरंजन जी जो हैं, he is basically ecology activist and designer. And he is a person who has been awarded by NCPEDP in 2006 and 2011 also. I also received the NCP award in 2016. So I suppose the kind of experience which Niranjan ji has, I think that's really going to be of much use. Aur hum sab usse labhanvit honge. So मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम निरंजन जी एंड ऑल अदर पैनलिस्ट एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू. और नाउ आई थिंक सो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू निरंजन जी, बट बिफोर दैट वी गॉट टू गो फॉर गणेश वंदना. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसि, गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिनि, गुरुविक्रमाय दुय्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसकाराध्याय, गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोचयप्रदाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. मेरी तरफ से और साथी की तरफ से मेरा नाम निरंजन खत्री है. तो ये दिव्यांग के क्षेत्र में तीन बड़े मुद्दे हैं, एक है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, और तीसरा जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है पर्यावरण की दृष्टिकोण से, क्योंकि आप सबको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है. इसलिए हमें देखना है कि जो दिव्यांग है उनको और भी ज्यादा तकलीफ होगी, तो उनके लिए हम क्या करें जैसे कि उनकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए.
2016 में मैं एक ट्रेनिंग सेशन ले रहा था जो लोग सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और वहां पर मैंने देखा कि मैलनरिशमेंट बहुत है और इंडिया में भी 60% लोग मैलनरिश्ड है। तो मैंने उस एनजीओ को कहा था कि हमें एक नया बैंक चालू करना चाहिए, तो हमने एक नया बैंक चालू किया। वो बैंक का नाम है BON, यानी कि बैंक ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने क्या किया कि हमने 5 तरह के पौधे उपजाने शुरू किए, ड्रमस्टिक, नींबू, गुआवा, पपाया और केला। इसके फायदे ये होंगे कि जो गरीब हैं, जिनके पास ज़्यादा खाने पीने को नहीं है, वो अपने घर के पीछे ये लगा सकते हैं और उससे उनकी मैल नरिशमेंट कम हो जाएगी। और ये एक प्रोएक्टिव स्टेप्स है, यानी कि दिव्यांग की स्थिति क्यों होती है ऐसे, क्योंकि जब माँ गर्भवती होती है तो अगर ठीक से खाना उसको नहीं मिलता है, पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, तो बच्चे के जो पैदा होते हैं उनको मेंटल डेफिशिएंसी होती है, यहाँ फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो अगर हम अपने सोर्स की फाउंडेशन को ठीक करें तो डिसेबिलिटी कम हो सकती है। तो इन फ्यू थोड़े से शब्दों के इंट्रोडक्शन से मैं अब चाहूँगा कि हमारा जो पहला स्पीकर है, पहली स्पीकर है प्रीति श्रीनिवासन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ शब्द बोले। आपको 6 या 7 मिनट मिलेंगे प्रीति। थैंक यू प्रीति, अनम्यूट कीजिए। प्रीति अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रीति अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रीति आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए ऑडियो। मम्मी जी थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी। सुनाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर। अभी सुनाई दे रहा है? जी हाँ, जी हाँ। ओके, सबको मेरा नमस्ते। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद दूंगी सार्थक को ये इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हम सबको ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हम क्या कह सकते हैं, ये हम हाँ। सब यहाँ दिव्यांग के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और पहले पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कौन दिव्यांग है। मेरे हिसाब से तो हम सब दिव्यांग हैं। इफ यू आर वेयरिंग ग्लासेस, आप चश्मा पहनते हैं तो आप दिव्यांग हैं। आप कार में बैठते हैं तो आप दिव्यांग हैं। आप बस में बैठते हैं तो आप दिव्यांग हैं। वही 4 व्हील्स है ना, व्हील चेयर में जो 4 व्हील्स है, हम क्यों बस में या कार में बैठते हैं? ताकि हम पैदल ना चले, है ना। तो जो भी है, सब कुछ सभी दिव्यांग है मेरे हिसाब से। तो जो जिसको कोई स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट है कि उनकी उन वो देखते हैं तो ठीक नहीं देख पाते, जो सुनते हैं तो सब क्या सुनते हैं वो नहीं देख पाते, सुन पाते, तो कोई चल नहीं पाते, तो सबको हमारे सोसाइटी को एक मानकर हम सबको अकोमोडेट करना है। वही बस अगर अकोमोडेशन मिल जाता है तो सब एक बन जाते हैं। एक दिव्यांग एक नॉर्मल नहीं होगा, सब दिव्यांग होंगे, सबके दिव्य शक्ति बाहर आ सकते हैं। तो यही मेरा थॉट है और इसी के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं तो क्रिकेट खेलती थी, स्विम करती थी, बहुत कुछ करती थी। फिर 18 साल जब थे मेरा, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, 1 सेकेंड में एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद मेरा गर्दन टूट गया। सो आई हैड अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दैट लेफ्ट मी पैरालाइज्ड बिलो द नेक। गर्दन के नीचे कुछ भी काम नहीं करता है, हाथ नहीं चल पाते हैं, तो
जो भी हर लोग बहुत सामान्य रूप से कर पाते हैं मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं जो कर पाती हूँ कोई नहीं कर पाता, ये मेरा यू नो थॉट है। तो सबके स्पेशल दिव्य शक्ति हैं, तो भगवान मेरे हिसाब से हमारा सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल दिव्य शक्ति जो है वो बाहर लाने के लिए हमें चैलेंजेस देते हैं। और जो लोग हमें दिव्यांग बोलते हैं, हम हमारा दिव्य शक्ति ज्यादा होता है क्योंकि हम रोज चैलेंजेस जो वॉकिंग टॉकिंग नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं वो जिंदगी में एक बार या दो बार चैलेंजेस फेस करते हैं, हम रोज चैलेंजेस फेस करते हैं। जो काम सबको बहुत साधारण लगता है, हम 300% ज्यादा एफर्ट दें तभी वो काम हमसे हो पाता है, लेकिन हम रोज करते हैं वो काम, इसलिए हम दिव्यांग हैं मेरे हिसाब से। तो मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैंने बोला स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दैट कॉजेस पैरालिसिस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी दैट कॉजेस परमानेंट पैरालिसिस, इसका कोई क्योर नहीं है दुनिया में। यूएस में 38 मिनट्स में एक बार ऐसा एक्सीडेंट होता है, 18,000 इंजरीज होते हैं हर साल। और आयरलैंड जो हमारे हर स्टेट से छोटा है उसमें 3 एक्सीडेंट होते हैं हर हफ्ते। तो ये क्या है कि इंडिया में जितने होते हैं उसके बारे में कोई मालूमत नहीं है, कोई डेटा या एविडेंस नहीं है। तो ये लोग जो पैरालाइज हो जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, उनको जस्ट लोग भूल जाते हैं, वो इनविजिबल हो जाते हैं, वो डिस्कार्ड कर देते हैं उनको सोसाइटी से, वो घर में रह घुट घुट के मर जाते हैं। स्पेशली विमेन, हम महिलाएं जो हैं बहुत बहुत इंडिया में ही बहुत जगहों में हमें एक एक तरह का मशीन माना जाता है, हम काम करने के लिए हैं ऐसे। तो अगर वो मशीन काम नहीं करती है तो उसे तोड़ देते हैं। बहुत विमेन को सुइसाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं फैमिली ही। तो हमें फैमिली से पहले एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, उसके बाद सोसाइटी का सपोर्ट मिलना चाहिए कि हमें प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, हमें एक्सेसिबल एनवायरनमेंट्स चाहिए ताकि हम घर से बाहर जा सकें। मेरा एक्सीडेंट जब मैं 18 साल की थी तब हुआ था। तो मैं कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो लोग कहते हैं कि क्यों योर 30 सेकंड्स मोर प्रीति। सो पीपल जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाई शुड यू नीड एन एजुकेशन, व्हाई डू यू नीड एम्प्लॉयमेंट, नोबडी विल लुक एट यू फॉर अ रिलेशनशिप और मैरिज। सो वी आर बेसिकली पुश्ड इनटू अ पोजीशन ऑफ रोललेसनेस वेयर वी आर pushed into nothingness, we become invisible and we die. So Soul Free is trying to change all that. We are helping people with spinal cord injury lead a life of dignity and purpose. We are starting rehabilitation centers, we are employing people, we are ensuring that they have the financial and the physical independence to lead a life of dignity and purpose. So I feel this is a small beginning. I feel it should happen all over India. I feel it should be the government taking over all these and starting such rehabilitation centers in every district. So we need to build a bridge between the ground level to the governance, to policy making and to educational institutions, and ensure that all the laws that are already quotas that are already available to the disabled are all implemented to the T. So I want to again thank you for giving me this opportunity, and I hope everybody is positively impacted by my words and story. Thank you. Thank you, Preeti. You made a very valid point. आपने एक बहुत अच्छा perspective दिखाया कि जो बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, सब दिव्यांग है। और आपने ये भी सही कहा कि level playing field करनी चाहिए। तो जब मैं अपनी पुरानी company में काम करता था, मुझे इस विषय के बारे में ज़्यादा knowledge नहीं था, पर मैंने
बहुत लोगों से जाके सीखा और हमने दो किताबें लिखी. एक है हाउ टू एम्प्लॉय पीपल विद डिसेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वो वेबसाइट में है आईटीसी होटल्स की. और दूसरा किताब हमने लिखा यूनिवर्सल डिजाइन, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूजर फ्रेंडली करना चाहिए. तो यूनिवर्सल डिजाइन में मैं आज देख रहा हूँ कि मेट्रो में, एयरपोर्ट्स में बदलाव आ रहा है, स्टेशन में भी बदलाव आ रहा है. पर मेरी ये एक कंसर्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम इस एरिया में बहुत पुअर हैं और हमें सोचना है कि इस एरिया में कैसे हम सस्ता, टिकाऊ और एकदम पक्का रैंप्स वगैरह बना सकें, जो फोल्डेबल हो, जब जरूरत नहीं है तो बंद करके अंदर रख दिया लगाना. इस एरिया में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरियाज में काफ़ी फोकस है और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है. थैंक यू वेरी मच प्रीति. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल को अपनी कहानी शेयर करने के लिए. Can the host mute me, please? Sorry? Yeah. Can the host mute me, please? Thank you, Niranjan ji. Thank you, Sarthak, for giving me this opportunity to come and talk to our fellow friends again. Preeti, I must say I'm personally shaken with your story and completely motivated. I'm sure आज जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, they'll get a completely new perspective. I'm honestly not sure where to start, but just talking about myself, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं एक आँख से नेत्रहीन था, and my other eye had low vision, which sort of deteriorated when I was 11. So thankfully, with medical intervention, doctors managed to revive it to an extent. मैं एक चीज मानता हूँ that you know हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं दिव्यांग, divine abilities. I think God comes and comes to us in some form. हर आदमी के जीवन में अलग अलग लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं. It's not possible to pin down everybody, but I think bachpan mein mother and uske baad your wife or your partner, they become and play a key role. Your first your parents, your family, and of course the whole ecosystem, your friends, your teachers. Jeevan ko agar kuch bhagon mein baante, aur I'm still in my mid 30s. So I can only talk about what I've experienced. But I think in the early ages, the first thing that I've seen where the problem is ki jo mata pita hote hain, wohi kai baar situation ko accept nahi karte. Accept in the sense, from a society's perspective, they want to stay away from the problem. Us dar mein wo kai baar doctors ke paas nahi jaate, right? Medical intervention nahi lete. Jo problem ko deteriorate karta hai. Sabse pehle, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, इट इज इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स को मेडिकल इंटरवेंशन डे वन डे जीरो ले लेना चाहिए. उसके बाद अगर पेरेंट्स सपोर्ट देते हैं, मैंने अपना पूरा जीवन एक आम बच्चे की तरह बिताया. ठीक है, हम सबके अपने संघर्ष होते हैं, हमने अपना काम किया है. मेरा अच्छा फॉर्चून था, आई डिड माई एजुकेशन. जसमीत जी ने बताया 10वीं में मेरे माता पिता का भी यही सवाल था कि ये कैसे पढ़ेगा, बट आई वॉज वेरी डिटरमिन्ड कि मेरे को पढ़ना है. वी अगेन डिड आवर बैटल, वी फॉट अ वेल. आई मैनेज टू गो टू टू रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री. आई वेंट टू सेंट स्टीफन्स कॉलेज, डिड माय इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वेंट टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिड माय मास्टर्स. 2006 में जब नौकरी की बात आई, अगेन आई वॉज वेल अमंगस्ट द टॉप परफॉर्मर्स इन द क्लास, बट अगेन वही क्वेश्चन आया ऑर्गेनाइजेशन के सामने, कौन रिक्रूट करेगा. आई रिमेंबर some of the global organizations who talk about disability inclusiveness. मैंने कुछ 12 rounds clear करे investment banking के उस time पे, और they could not put their faith in. While our directors were willing to write recommendation, deans were ready to write recommendation, but then came a bank and an organization who asked me, आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरे को I need a right technological support, and they came and extended that. उसके बाद of course
in the whole process, a fantastic person, truly with a golden heart, who always stood up with me. हर तरह का कॉम्बिनेशन बैंक ने मेरे को सपोर्ट किया. मैंने कई लीडरशिप रोल्स में रहा. मैं आई इवन वेंट टू लंदन इन 2014. आई टुक ओवर एज अ हेड ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग. इट्स अ वेरी वेरी सीनियर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहां भी मैनेजमेंट वॉज विलिंग टू पुट सपोर्ट. भाई कुछ लोगों ने सवाल पूछा, भाई आपको आईस की प्रॉब्लम है, आप क्रेडिट बिजनेस में हो, सेंसिटिव बिजनेस है, कैसे करोगे? मैनेजमेंट सेड इसने किया है और ये करेगा. And I think that faith gave me also a push that I have to do it. And in all this journey, that family always stood next to me. ऐसा नहीं है हम संघर्ष नहीं करते. हम जीवन में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे बाजू में 100 वॉट का बल्ब चलता था और उसके नीचे भी मैंने काम किया. मैंने धूप में बैठ के एग्जाम दिए हैं, पेपर को 4 टाइम्स एनलार्ज करके. But it also tells me ki as PWDs, people need to go and first have a faith, I can do it. Koi hamari jang hamare liye nahi lad sakta, hame hamari jang khud ladni padti hai. Aaj bhi Niranjan ji ne pradushan aur paryavaran ki baat kari. Jab bhi main Hindustan mein raha, log kehte hain tum to Hindustan mein bade ho, tumhe kaise dikkat ho sakti hai. Main London mein raha hu, mere ko pata hai environment kaise role play karta hai. Yahan roz sham ko प्रदूषण की वजह से माय आईज गेट सो रस्टी. आई इवन इट हर्ट्स टू इवन ओपन द आई. यू हैव टू डू इट. यू हैव टू फाइट योर पोल्यूशंस. अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो कहते हैं ना कि जीवन में जीत का ही मजा नहीं. आप जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसको शायद वैल्यू नहीं करते हो. सो संघर्ष करते रहिए. Corporates ke saath aur ecosystem ke saath, my only submission from this platform is people don't want extra points because they are PWDs. What they want is a right ecosystem. It just helps. So choti si cheez, meri organization mein agar steps pe mereko marking chahiye thi, organization ne wo steps mark kar diye, aur mere liye bahut aasan hai. Main un seedhon pe upar niche aa sakta hu. Bas that puts me at par with somebody else. Agar wo marking nahi hai, main 4 baar girunga, meri 4 baar productivity giregi. अगर बीच में ग्लास डोर आएगा, मैं टकराऊंगा तो वहां से मेरी प्रोडक्टिविटी खत्म होगी. सो ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बिल्ड दैट कल्चर, नीड टू हैव दैट इंक्लूसिव माइंडसेट. फैमिलीज नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस, हैव अ बिलीफ आवर किड इज केपेबल. गिव देम अ नॉर्मल ग्राउंड. माय हंबल रिक्वेस्ट इज पीडब्ल्यूडी टू अ पीडब्ल्यूडी, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग नोशन. आई जस्ट स्पोक अबाउट माय वाइफ, शी इज फुली एबल्ड, शी इज अ डॉक्टरेट. आई हैव अ सन who is fully able. I don't think that notion is also true. Have a faith in yourself, have faith in your abilities. The world will conspire, the universe will conspire. You will have an opportunity to claim your right from the world. Rukenge nahi, thakenge nahi, chalte rahenge, karte rahenge. Koi baat nahi, do seedhi se girenge, hans jayenge, fir se khade ho jayenge, fir do seedhi le lenge. Sawal to hamare haath mein hai ki bhagwan ye hamare saath hi kyon kiya. और दूसरा, अच्छा है आपने हमारे साथ किया, शायद हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ अच्छा एग्जांपल सेट कर सकते हैं, कुछ आगे लोगों को अच्छा सिखा सकते हैं. सो प्लीज डोंट कंप्लेन, कंप्लेन्स डोंट हेल्प. टेक इट अप एज एन अपॉर्चुनिटी, गो एंड फाइट फॉर इट. थैंक यू निरंजन जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सार्थक. थैंक यू ऑल द सुपर आइडल्स फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. कंप्लीटली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर अदर पैनलिस्ट. थैंक यू राहुल. वेरी वेल सेड. आपने बहुत सही कहा कि इकोसिस्टम को ठीक करना है. तो ये इकोसिस्टम को लेके मेरी गुजारिश है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट से कि जब न्यूज़ पढ़ा जाता है टीवी में तो साथ में अगर प्रतीक जैसा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो तो लोगों को दिव्यांग के बारे में और उनकी दिक्कतों के बारे में पता लगेगा और ये सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम हो जाएगा. आज ये सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम नहीं है. जो स्कूल में दिव्यांग बच्चों को भी नहीं लेते हैं, पर बेंगलोर में एक स्कूल है जहाँ पर मैंने 5-6 साल उनसे बात की थी, उन्होंने अब सब तरह के बच्चों को अपने स्कूल में रख लिया है और उनके पास 32 टीचर हैं जो दिव्यांग को कैसे सेंसिटिवली हैंडल करना है उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो
राहुल, बदलाव आ रहा है और बदलाव और भी आएगा, और टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि कोई बायोनिक आईज आ रही है जिससे कि जो नेत्रहीन लोग हैं वो देखना शुरू करेंगे। तो काफ़ी काम चल रहा है और हम एक्साइटिंग टाइम्स में हैं। तो अब है हमारा अगला स्पीकर है मिस्टर आकाश अरोरा। आकाश अरोरा जी, आकाश अरोरा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू आकाश। हाँ, थैंक्स अ लॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सार्थक को अपना अप्रिशिएट करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर गिविंग सच गैलेक्सी ऑफ टैलेंटेड दिव्यांगजन ए प्लेटफॉर्म। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा मंथन होता है तो उसमें कोई ना कोई अमृत जरूर निकलता है। मेरी लाइफ स्टोरी अगर मैं शेयर करना शुरू करूं तो देखिए, डिसेबिलिटी इज मेरा मानना है लैक ऑफ एक्सेस। और एक्सेस क्यों कम होता है? क्योंकि कम बैरियर्स होते हैं। दोस बैरियर्स आर इंफॉर्मेशन बैरियर, एटीट्यूडनल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर। तो जो भौतिक बाधाएं हैं, जानकारी का अभाव संबंधी बाधाएं हैं, और जो नकारात्मक मनोवृत्ति एटीट्यूड की बाधा है समाज में, दिट इज मच बिगर हर्डल देन इम्पेयरमेंट। तो मेरा जो ये बाधा का सामना है वो जैसे ही मेरा डायग्नोसिस हुआ तब से ही शुरू हो गया। 3.5 साल की उम्र में जब मेरा डायग्नोसिस हुआ तब मेरी मदर ने ऑप्थमोलॉजिस्ट से एक क्वेश्चन पूछा था, पहला कि इसका स्कूल जाने का क्या होगा। तो दैट ऑप्थमोलॉजिस्ट से, मैडम आप इसकी पढ़ाई वढ़ाई तो भूल जाइए। क्या कहा? पढ़ाई वढ़ाई भूल जाइए। नाउ अगर मैं कहूँ तो मैं अब MA गोल्ड मेडलिस्ट, साइकोलॉजी में JRF के साथ PhD, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मैंने 12th रैंक लिया जनरल मेरिट में आलो राजस्थान। सो अगर वो प्रिडिक्शन मान के बैठ जाते हम लोग तो बहुत से लोग ऐसी बातों को एक्सेप्ट और इंटरनलाइज भी कर लेते होंगे और ग्रो नहीं होते होंगे। नेक्स्ट थिंग, मेरा स्कूलिंग पहले घर पे पढ़ाया गया, फिर स्कूल में डाला गया मेरे को। स्कूल में एक्चुअली जब डाला गया तो लोगों का ये व्यू आया कि इसको आप म्यूजिक सिखाओ, कुछ कमा खा लेगा, पढ़ा के क्या करोगे। तो डिसाइड ये हुआ कि पढ़ेगा भी और म्यूजिक भी सीखेगा। अब लोग हमारे समाज में क्यों है कि ब्लाइंड पर्सन में तो म्यूजिक की ऐप प्री इंस्टॉल्ड आती है, तो म्यूजिक तो उसका एप्टीट्यूड होगा ही। जबकि ये हमें एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, ये एटीट्यूडनल बैरियर है हर व्यक्ति में, चाहे वो एबल हो चाहे डिसेबल। बहुत डिफरेंट और डाइवर्स इंडिविजुअलिटी होती है उनकी, डाइवर्स एबिलिटी होती है। तो इसलिए ब्लाइंड पर्सन में भी उतनी या किसी और भी दिव्यांग व्यक्ति में इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड बहुत भिन्न हो सकते हैं। तो थर्ड क्लास से मेरा फर्स्ट रैंक क्लास में आना शुरू किया, बट म्यूजिक तब से छूटा था आज तक छूटा हुआ। मेरे को तो सुर लयताल समझ आए नहीं थे कभी। फिर 12th में एग्जाम दिया, अगेन ये व्यू था कि किसी तरह 10th करा दे से, तो मतलब किसी तरह पास कर ले तो अच्छा लगता है 10th लिखना। बट 12th में मेरा राजस्थान बोर्ड में मेरिट में 29th रैंक रहा। देन हर किसी का अपना एक एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में था क्योंकि मेरे को ह्यूमन नेचर, ह्यूमन पर्सनैलिटी और इमोशंस को समझने की बहुत रुचि थी, और मेरे को लगा कि ये सुविधा मेरे को अपना साइकोलॉजी सब्जेक्ट ये मेरी नीड पूरी कर सकता है। बट अगेन बैरियर्स आर देयर कि साइकोलॉजी ब्लाइंड पर्सन कैसे पढ़ेगा ऑल दिस। मैंने कहा फॉरेन में ब्लाइंड साइकोलॉजिस्ट हैं और आप मेरे को राइटर तो देंगे, वो प्रैक्टिकल करने में भी हेल्प कर देगा, व्हाई नॉट, आई कैन डू। मैं जब मेरा गोल्ड मेडल मिला मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो वन ऑफ माय प्रोफेसर ने कहा हमने सोचा कर तो लेगा बट इतने अच्छे से करेगा ये नहीं पता था। तो बट मेरे खुद के बैरियर ये थे कि
मेरे खुद के बैरियर ये थे कि अल्टीमेटली ब्रेल भी 12th तक नहीं आती थी, टेप रिकॉर्डर भी यूज नहीं किया मम्स। फिर ब्रेल सीखी, टेप रिकॉर्डर यूज करना शुरू किया। फिर एमए के बाद बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया जब कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स मेरी लाइफ में आए। सो आई स्टार्टेड रीडिंग माई सेल्फ, स्कैन करके और कंप्यूटर पे पढ़ने लग गया। इंटरेस्ट था लेक्चर बनने का, बट हुआ ये कि वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में दे हैव बायसेस, बोर्ड पे कैसे लिखोगे, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन करके, ऑल दिस एंड दे डिडंट एक्सेप्टेड मी। सो आफ्टर दैट डिस्करेजमेंट मैंने आरएस अटेम्प्ट किया और 2011 में मैंने इसमें भी टॉपर में पहुंचा मैं जनरल मेरिट में, और आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डेस्टिनी मेरे को ले आई। जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था तो मेरे को इंक्लूसिव एजुकेशन सेल जो है चिल्ड्रन स्पेशल नीड का, उसको हेड करने का मौका मिला। एंड क्योंकि मेरी लाइफ में टेक्नोलॉजी ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया था और बहुत एम्पावरिंग रोल था वो, तो इसको देखते हुए मैंने ब्लाइंड बच्चों को लैपटॉप दिलाने का हम लोगों ने प्लान किया और उनको ट्रेनिंग दी लैपटॉप दे के, गवर्नमेंट कॉलेजेस के ब्लाइंड बच्चों को प्राइवेट, और फिर हमने मोबाइल फोन एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फोन भी ब्लाइंड बच्चों को दिए और उस पर उनको ट्रेन किया। हमने टेक्स्ट बुक्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया ई पब में, जिसे ब्लाइंड बच्चे राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक को, जिसे ब्लाइंड बच्चे मोबाइल या लैपटॉप की हेल्प से एक्सेसिबल वे में पढ़ सके। सो मेरी जहाँ तक जानकारी कि राजस्थान वॉज पायनियर इन डूइंग दीज इनोवेशन, उसके बाद कई सारी स्टेट्स ने इसको फॉलो किया, बट ये मेरा बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। फिर 2000 अब मैं एक पंचायती राज के ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि मेरी पोस्टिंग है तो मैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के ऊपर ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड ऑल दिस कराई है। सो दैट जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस और स्पेशली जो ऑफिसर्स हैं स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, मेरा मानना है कि एक्ट कोई भी बन जाए बट उसका लागू तभी हो सकता है वो सक्सेसफुली, जब उसको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी समझे। तो ये चीज हमें यहाँ पे इस मंच पे भी मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां पॉसिबल हो हमें जो कानूनों को लागू करने वाले अधिकारी हैं, एजेंसीज हैं, उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। इस एक्ट का सेक्शन 47 भी ये कहता है कि आप सभी लेवल पे अवेयरनेस और ट्रेनिंग करें, चाहे वो जजेस हो, पुलिस ऑफिसर हो, पंचायती राज पर पीआरआईज हो, एमएलएस हो, या अपने एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो ये एक मस्ट है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और बाकी काम टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफी हद तक हो जाता है, क्योंकि अब ओसीआर भी अवेलेबल है, फोटो खींच के उससे डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाता है, जिसपे फोन रख के फोकस कर सकते हैं हम। तो ब्लाइंड पर्सन टोटली ब्लाइंड इंडिपेंडेंटली फोटो खींच सकता है, तो बीइंग टोटली ब्लाइंड मैं उसकी भी हेल्प लेता हूँ, और बाकी कंप्यूटर मोबाइल पे तो है ही, और आज मैं काफी सारे काम इंडिपेंडेंटली कर पाता हूँ, जैसे अपनी ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, फूड ऑर्डरिंग से लेकर बहुत सारे काम, इवन नोट पहचानना, मनी ऐप ऑफ आरबीआई। सो एम आई ऑडिबल ना? यस। हाँ, सो विद दैट, तो बहुत सारे काम टेक्नोलॉजी के हेल्प से होते हैं, तो मेरा एक सजेशन ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज हमें लोगों को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ टेक्नोलॉजी दे देना नहीं, उस टेक्नोलॉजी पे स्किल्ड, मतलब क्योंकि एक्सेस, स्किल एंड एटीट्यूड, तीन चीजें मिलके एम्पावर करती हैं व्यक्ति को। तो उसे एक्सेस देना पहले तो टेक्नोलॉजी का, फिर उसको उसके ऊपर स्किल्स करना, और उसे फिर एक पर्सनल एटीट्यूड क्रिएट करना कि वो उस टेक्नोलॉजी को जहां जहां पॉसिबल हो वो उसका बेस्ट यूज कर पाए, दैट इज। और उसके लिए आज जैसे हमें टेक्नोलॉजी है, बट हम कहीं चैलेंज आता है, अगर कोई अचानक बैरियर आ जाता है तो किससे पूछे, कहां पूछे, उसमें ट्रिमेंडस टाइम, एनर्जी और एफर्ट और स्ट्रेस जाता है। तो हमारे पास एक ऐसा कॉमन सेंटर होना चाहिए जहां पे हम
हेल्पलाइन सपोर्ट और समथिंग जिस पे हम हमारी क्वेरीज दे पाए, और अगर वो सॉल्व नहीं कर सकते तो किसी रिलायबल सोर्स से लाके हमें आंसर दे दें, ताकि वो जो ट्रिमेंडस एफर्ट है वो बच जाए। तो ये चीज थी। बाकी मेरा मानना है कि डिसेबिलिटी एंड एबिलिटी कैटेगरी नहीं बन सकती, मेल फीमेल कैटेगरिकल टर्म है, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग हम ये कैटेगरी बना सकते हैं, बट एबल और डिसेबल की कैटेगरी नहीं बना सकते। यहाँ पे क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब काम कर सकता है? आई गेस आपका रिप्लाई होगा नो। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कर सकता? डेफिनेटली रिप्लाई नो होगा। और अगर कोई कहे यस कोई ऐसा व्यक्ति है, तो मैं कहूंगा बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो अल्टीमेटली डिसेबिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। तो ये बाउंड्री जब एबल लोगों ने एक दूसरे के बीच में नहीं डाली, तो मैं भी बहुत से काम कर सकता हूँ, बहुत से नहीं कर सकता, तो मेरे और आपके बीच में बाउंड्री एबल और डिसेबल की क्यों हो? एक तो ये बात है। और हेलन केलर ने इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था। शी सेड हेलन केलर इज ऑलवेज अ रोल मॉडल फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। उनका कहना था इट्स ट्रू That I cannot do everything, but still I can do something. ये सत्य है कि मैं हर काम नहीं कर सकती, but मैं कुछ तो कर सकती हूँ. It's true that. Deep, can you wind up, please? Sure, I'm winding up. And the fact that I cannot do everything doesn't mean that I will refuse to do that something which I can do. और ये तथ्य है कि मैं हर कार्य नहीं कर सकती, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वो काम करने से भी मना कर दूंगी जो मैं कर सकती हूँ। अगर हेलन केलर ये बात कह सकती है, तो मैं तो कह ही सकता हूँ, और हम में से हर दिव्यांग व्यक्ति कह सकता है, बट हमें स्किल एक्सेस एंड एटीट्यूड इस पे सपोर्ट संबलन चाहिए। विद इट मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर सच ए पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू आकाशदीप, आपने दोबारा रिपीट की जो बाकी लोगों ने रिपीट की कि इकोसिस्टम को ठीक करना है। इसलिए फिर मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि जितनी भी उनकी वेबसाइट है उसको अगर वह यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल लगा दे, जैसे कि विभिन्न दिव्यांग लोग उसको ईजिली देख पाए। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मसूरी में, जहाँ पर सारे IAS ऑफिसर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। अगर वहाँ भी एक सब्जेक्ट जोड़ा जाए दिव्यांग के विषय पे और उनके मुद्दों पर, तो शायद हमारी जो चेंज आएगी इन हमारी विचारधारा में एट एपेक्स लेवल, वो थोड़ा तेजी से होगी। थैंक यू वंस अगेन। और अब हमारा नेक्स्ट स्पीकर है आभा क्षेत्रपाल, प्लीज। Hello, am I audible? Yes, Saba. Yeah, a very good morning to you all my fellow panelists, and Niranjan sir, thank you Sarthak for inviting me here. This is a great experience, and I'm really overwhelmed ki maine jo apne earlier speakers se suna hai, sabse Akashdeep ji, Rahul ji, Preeti, everyone was so wonderful. So as far as my journey is concerned, मुझे 3 साल की उम्र में पोलियो हुआ था, और उसके बाद it has been a life of challenges. बचपन में स्कूल नहीं जा पाती थी, and from 9th standard I started going to school, क्योंकि उससे पहले एक्सेस नहीं था स्कूल्स का। और दूसरा ये है कि मेरे काफी ट्रीटमेंट्स होते रहे, मेरी सर्जरीज हुई, और मेरे हॉस्पिटल वार्ड्स ही मेरा स्कूल थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर रहे हैं, उन्होंने मुझे मेरी एजुकेशन कभी भी सफर नहीं होने दी। तो 9th standard से लेकर 12th तक मैंने रेगुलर स्कूलिंग की, एंड आफ्टर 12th मेरा कॉलेज जाना संभव इसलिए नहीं था, अगेन ऑफ द एक्सेस इश्यूज, यूनिवर्सिटीज कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, कॉलेजेस एक्सेसिबल होंगे नहीं होंगे। तो मेरी बाकी की सारी ही जो हायर एजुकेशन है वो डिस्टेंस मोड से हुई है, and now I am I have 3 triple I have 3 masters with me. I'm masters in English, psychotherapy and counseling,
एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से मेरा डिफरेंस एक्सपीरियंस रहा, लेकिन वहाँ भी एग्जाम देने जब जाती थी तो एक्सेसिबल नहीं होते थे वेन्यूज. कई बार ये बोला जाता था फर्स्ट फ्लोर में लेकर आओ स्टूडेंट को. कई बार मुझे लिखने के लिए डेस्क नहीं मिला, बोले कि आप अपनी थाइस पे रखकर पेपर कंप्लीट कीजिए. तो इस तरह के चैलेंजेस पढ़ाई के दौरान बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा इन्यूमरेबल की मैं अभी लिस्ट भी नहीं कर सकती उनको. बट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि फिर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, मुझे डिपेंडेंट नहीं होना था. क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स रहे हैं, उनका ट्यूटोरियल सेंटर था एंड आई जॉइंड देम. मैंने साथ साथ पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाई के साथ ही शुरू कर दिया था पढ़ाना अराउंड व्हेन आई वाज 22 इयर्स. तो मैंने तब से पढ़ाना शुरू किया अपने कॉलेज के साथ एंड आई बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. क्योंकि मैं शुरू से ही सोचती थी कि एक रिहैबिलिटेशन प्रॉपर तब होती है जब हमारी फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन भी होगी और उससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, बूस्ट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. देन आफ्टर सम इयर्स मुझे एक वैक्यूम सा लगने लगा लाइफ में कि मुझे सिर्फ अपने लिए ही कुछ नहीं करना, मुझे दूसरों के लिए भी कुछ करना है. तो मैंने इंडिया की सबसे पहली ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट डेवलप करवाई कि मैं ऑनलाइन काउंसलिंग दूंगी लोगों को और पर्संस विद डिसेबिलिटीज को स्पेशली एंड दैट डू फ्री ऑफ चार्जेस. मैंने सोचा कि मैं कभी भी चार्जेस नहीं लूंगी. मैं समझती थी कि जो पर्संस विद डिसेबिलिटीज है मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से दैट वी नीड टू शेयर. हमारी बात कोई सुनने वाला चाहिए, हमारी बात कोई नहीं सुनता. सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव्स, उसकी उस हिसाब से हमारी लाइफ को मोल्ड करते हैं. बट हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या फीलिंग्स होती है, ये कौन सुनता है? पेरेंट्स भी एक लिमिट तक सुनते हैं या समझ सकते हैं, सिबलिंग्स भी नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता. तो मैं एक ऐसा जरिया बनना चाहती थी लोगों का कि जो उनकी बातें सुने, जो उनको समझे, उनकी भावनाओं को समझे, उनके विचारों को सुने और कितने क्रिएटिव होते हैं, उनको हम किस तरह से और प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. डिसेबिलिटी मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है. तो मैंने सबसे पहले ये काउंसलिंग का काम स्टार्ट किया ऑनलाइन एंड इट हैज बीन नाउ 10 इयर्स आई हैव बीन डूइंग दिस. ऑनलाइन काउंसलिंग करती हूँ विदाउट एनी चार्जेस. धीरे धीरे मैंने ये जाना कि ये रियलाइज हुआ कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के खुद के पढ़ने के लिए उनकी कंडीशंस के बारे में या उनके उनकी नीड्स के बारे में कोई ऐसा अवेलेबल लिटरेचर ही नहीं है जो वो खुद पढ़ सकें और वो खुद समझ सकें कितनी चीजों को, और स्पेशली फॉर देयर सेकेंडरी हेल्थ कंडीशंस. क्योंकि डिसेबिलिटी डायग्नोसिस के बाद उसका इलाज और उसकी रिहैबिलिटेशन, उसकी मैनेजमेंट तो चलती रहती है, बट व्हाट अबाउट आवर सेकेंडरी हेल्थ कंडीशंस? हमारा वेट गेन, हमारा हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो जो सेकेंडरी हेल्थ कंडीशंस हैं कहीं ना कहीं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं. मैंने फिर बहुत सारा एजुकेशनल मटीरियल साथ साथ डेवलप करना स्टार्ट किया स्पेशली फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज बिकॉज they are the most marginalized ones. उनको एकदम margins पे छोड़ दिया जाता है, कोई उनकी बात नहीं समझता, कोई उनकी feelings नहीं समझता, और फिर वो कहीं complain भी नहीं कर सकती हैं अपनी conditions की, especially their sexual and reproductive health, वो neglect हो जाती है. So मैंने सबसे पहला एक manual develop किया जो कि breast cancer self examination पे था. Since breast cancer अभी एक epidemic के जैसे फैल रहा है एंड वुमेन विद डिसेबिलिटीज भी उतनी ही प्रोन है इस इशू को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर, उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी हो गई तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा. और दूसरा फिर मैंने डेवलप किया एक मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट ताकि वुमेन विद डिसेबिलिटीज किस तरह से मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट कर पाए, अदरवाइज उसकी नेग्लेक्शन, अगर नेग्लेक्शन होती है, हाइजीन प्रॉपर नहीं होता तो बहुत सारे इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है. So, मैंने एक और तब मैनुअल डेवलप किया मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट पर. देन मुझे अभी भी कुछ ऐसा था कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, तो मैंने WHO के साथ कांटेक्ट किया कि उन्हें बताया कि इंडिया में जो हेल्थ एक्सेस है, हेल्थ केयर एक्सेस है, वो बहुत कम है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए. हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, कई जगह प्रॉपर रैंप्स नहीं होते हैं, हम डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं जा सकते, अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं, अगेन बिकॉज वहां पर कई जगह बेसमेंट्स में डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, कहीं पर सीढ़ियां हैं,
एग्जामिनेशन टेबल्स नहीं है, हम उसके ऊपर बैठ नहीं सकते हैं. सो आई डिड अ प्रोजेक्ट विद WHO जहाँ की मैंने दिल्ली के काफी हॉस्पिटल्स का एक देखा कि एक्सेस कितना है, और मैंने कुछ इंडिकेटर्स डेवलप किए उनके साथ मिलकर कि किस तरह से हेल्थ केयर एक्सेस जरूरी है. मिनिमम रिक्वायरमेंट्स किस तरह होनी चाहिए, और मैंने पाया कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पर भी प्रॉपर एक्सेस नहीं था. धीरे धीरे करते करते फिर मुझे लगा कि मुझे ICT यूज करना चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज तक, बिकॉज मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एम्पावरिंग. जब तक हमें एक्सेसिबल और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, हम पूरी तरह से इंक्लूडेड नहीं रहते हैं. मैंने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया, इट वॉज द फर्स्ट मोबाइल ऐप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया इन 2015. तो उसके लिए मुझे NCPDP का यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड भी मिला, एंड 2016 में प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड. एंड देन देयर वाज लाइक अ काइंड ऑफ नो लुकिंग बैक. मैं ज्यादा करके वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम करना ज्यादा शुरू किया मैंने, और मैंने सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया. एंड 2 years back मैंने एक पूरा ऑनलाइन कोर्स बनाया है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, और वो एक ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है एक मेरी वेबसाइट पर. एंड दैट कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी चार्ज, कोई सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए, और वो एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है कि एनीबडी कैन ज्वाइन द कोर्स एंड वो अपने हिसाब से वो लेसन्स पढ़ सकते हैं. देन ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे और लेसन्स प्रिपेयर किए, अनादर कोर्स ऑन डिसेबिलिटी एटिकेट्स. डिसेबिलिटी एटिकेट्स नॉन डिसेबल पर्सन के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो हमें कैसे इंक्लूड करें. इट हैज टू बी टॉट एवरीवेयर आई थिंक, इन हॉस्पिटैलिटी, इन इवन फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द लॉयर्स, फॉर द कस्टमर केयर. तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने एक और वो ऑनलाइन कोर्स डेवलप किया, एंड उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली पिछले 2 सालों में 3 curriculum डेवलप किए हैं यही सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर. वन इज इन कोलैबोरेशन विद एनफोल्ड इंडिया, साउथ की एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो अभी उनके लिए मैंने BEd स्पेशल एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए एक पूरा मॉड्यूल रेडी किया है ऑन सेक्सुअल हेल्थ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का. हाउ कैन स्पेशल एजुकेटर्स टीच देम, दैट इज अ काइंड ऑफ TOT, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स. और अभी मैं एट प्रेजेंट भी नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के साथ एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ इसी मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए. तो मेरा मानना है कि अगर हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो वाई शुड वी ऑलवेज बी रिगार्डेड एज टेकर्स, वी कैन बी गिवर्स ऑल्सो. तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अपनी छोटी से छोटी, अगर वो चाहें, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा सकते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इवन अपने घरों में. I have been a major earning member in my family. My father had Parkinson. मैं पूरा उनका मैंने ख्याल रखा है, उनका ट्रीटमेंट करवाया है. सो ऐसा नहीं है कि अगर डिसेबिलिटी है या एक लड़की है, जो इंडिया में एक स्टीरियोटाइपिंग है डिसेबल्ड लड़की माँ बाप पे बोझ, तो वो मैं स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना चाहती थी हमेशा से, और शायद मैं काफी हद तक उसमें कामयाब हुई हूँ उस चीज के लिए. सो मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. Thank you so much for inviting me here. Thank you, Abha. Very illuminating. बहुत अच्छा लगा. 1914 में मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल डिजाइन का एक पॉलिसी अनाउंसमेंट किया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि काफी बदलाव आए हैं एयरपोर्ट स्टेशन वगैरह वगैरह, बट अभी भी और भी बहुत काम है. आपने सही कहा. इसके अलावा आपको अगर वेबसाइट है तो आप जितने एटिकेट बनाए हैं उसको आप वेबसाइट में डाल देंगे तो लोगों को एक्सेस होगी. तो वो हाँ जी, वो वेबसाइट में ही है, वो वेबसाइट में ही है. हाँ जी, ठीक है, थैंक यू. तो अब हमारा नेक्स्ट स्पीकर है धन्या रवि. Namaste, a very warm good morning.
It's such a great honor to be with this wonderful panel of speakers. Thank you, the foundation, for having me here. Thank you, sir, for this warm welcome. And thank you, Bhavana, for assisting me for today's session. Like we have been hearing stories from a couple of the speakers, I think some of them are born with disability and some of them at an unfortunate phase of time, they happen to be a person with disability. So what I really feel as a person with disability is that whatever differences we have in our journey, either in the beginning or in the mid of our life, it's all the same. We all have our own limitations. We all have our own abilities through it. A person like me, who was born with a disability, it wasn't easy at all, you know. But still, as I really believe that whether it's in the beginning or in the middle, we all are still a human and aspire to nurture our life just like another person. The limitations we face because of our disability is the same at any point of time. Being a person born with a rare condition called osteogenesis imperfecta, also known as brittle bone disease, my life wasn't and is a bed of roses. I've been facing challenges in various situations. However, my life started when doctors and technology failed to diagnose about my condition. Growing up with bowed legs, shortened height, rolling on my BMW, which I call it for my wheelchair, wasn't easy. Every moment was challenging. From education to my workspace, it was stigmatized. Like many of the speakers told over here, in fact, I could not do homeschooling at all because of my disability. It was only on open universities I was able to complete my education. And today I work as a freelance content writer. Let me tell each one of you of how I'm here regardless of what I went through. Environmental stigma is much more than disability disgrace. If I never faced my pain, or if I had gone with the beliefs of what other people around me told me, I would have never loved my life as much as I do now. It is my fracture. It is my struggle towards education, work, and self-motivation that made my journey more compelling. During the uncertainties, I had to be on track with the determination to nurture my personal life with liberation. Today, my humble experience in the society for more than a decade taught me that our biggest strength is to be vulnerable with trusted people. This is something a society denies even today. There are many persons in the disability community who still find themselves hard to accept it or find themselves hard to even share it to any person outside the family. It is only through the challenges we grow and the uncertainties in life are just a lesson for us to learn, is what I like to believe. Over 1 billion people live with some form of disability around the globe. I believe that when we all join hands together, we could show light to those people who experience darkness. Let's together re-emerge people from the shock and trauma of illness to a new version of themselves, of who they are and not who they are addressed to be. Thank you. Thank you, Dhanya. That was very inspiring. Thank you once again. And now may I request Aarti to share her story, please. Is Aarti present? Bhavna, is Aarti present? No, sir. Okay, so that means should we go in for Q&A now, question and answers, if there are any? Yes, sir, the questions are texted to you in your chat box. You have texted it? Yes, okay. Sir. Okay, I'll just have a look at it.
Sir, plus I would also request you to announce for mobile app video showcase. So would you like to show the video first and do Q&A later on? Yes, sir. Okay. Yes. So please go ahead and show that video. CAPSARTHI is a one-stop solution for information and services for people with special abilities designed in collaboration with Capgemini and Sarthak Education Trust. We intend to touch the lives of thousands of differently abled people and empower them digitally, economically, and socially with special focus on people in the rural area. The application takes into consideration the accessibility requirements of all disability categories. Initially, it will be available in 6 Indian official languages, namely Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada, and Bangla. Let's get set to take a sneak peek in the application. Using the platform, people with disabilities or their family members can access relevant information through this app, such as information about government schemes, policies, and provisions such as disability certificate, pension, transport concessions, reservation, and others. Details of government, private, and non-profit service providers in areas of health, education, skill, employment, and rehabilitation. Details of national and international scholarship programs. Details of fees or concessions on assistive devices providers. Online resources such as Braille online audiobooks, details of assistive device and matrimonial services. There also would be informations of upcoming events such as assistive device camp, job fairs and others. Various service support will also be extended using this platform, namely services such as counseling, guidance, early intervention, education, skill development, employment, career growth, and career continuance support. There will be parents counseling sessions, guidance, and support to parents of children with special needs, engagements, sensitization, and knowledge sharing with the change makers and aspirant in the disability sectors. Updates of latest development in disability sectors, such as assistive devices, judicial orders, government provisions, research and development. CAPSARTHI would support both Android and iOS devices and also would be available to people without smartphones. It's very simple registration form, two things required, name of the candidate and just the phone number. Thus, it becomes very simple for even people from remote villages. Once this information is provided, the offline team from Sarthak Help Desk Center would talk to them in their local languages and take it forward from there. It is now available in app stores, thus feel free to download the CAPSARTHI. Thank you very much and Namaskar. Thank you. I think this app is going to be a game changer in our country. इस ऐप से हमें काफ़ी बदलाव नज़र आएगा और अब मैं प्रश्न पढ़ूंगा जो मुझे आए हैं. एक प्रश्न ये है कि 3 एक्शनेबल पॉइंट्स फॉर इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी एस्पेक्ट इन इंडिया और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच नीड्स टू बी अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो पहला क्वेश्चन अंग्रेजी में है कि 3 ऐसी चीजें की जाए जिससे कि एक्सेसिबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव हो दिव्यांगों के लिए. तो ये एक्सेसिबिलिटी के बारे में एक इंग्लिश में मैं एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ूंगा. यूनिवर्सल डिजाइन इज द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एनवायरनमेंट्स टू बी यूजेबल बाय ऑल पीपल टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल विदाउट द नीड फॉर अडेप्टेशन और स्पेशलाइज डिजाइन. नाउ मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको अच्छी तरह ट्रांसलेट करूं, पर इसका एसेंस ये है कि जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि जब से बनती हो तब से सबके लिए यूजबल होनी चाहिए.
और उसके डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, वो इक्विटेबल होना चाहिए यानी सम्मानित होना चाहिए सबके लिए, यूजबल होना चाहिए यानी कि सहज होना चाहिए, कल्चरल नुआंसेस है उसको भी ध्यान में रखना यानी कि सांस्कृतिक नुआंसेस को ध्यान में रखना इस सिस्टम को लगाना है, इकोनॉमी सस्ता होना चाहिए क्योंकि हमारे कंट्री में उतने पैसे हमें नहीं है इसको ठीक करने, बस सस्ता की माने नहीं है कि ये टूट जाए जल्दी, और पुख्त भी होना चाहिए, एस्थेटिक्स सुंदर भी होना चाहिए देखने में, तो ये सब चीज़ को हम मिलाएं और हम अपने कॉलेजेस में जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाए, तो आगे चलकर जब वो नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस विच नीड्स टू बी अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस सवाल का जवाब अगर मैं दूंगा तो फिर हमें यहाँ पर एक हफ्ता और बैठना पड़ेगा, मैं आपको नहीं चाहता हूँ कि एक हफ्ता बैठे। किताबें हैं जो आपको बताएगी, बट मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो सोच की धारा अगर चेंज हो जाएगी, जैसे कि बहुत सारे स्पीकर ने कहा कि इकोसिस्टम बदलें, समाज की जो सोच धारा है वो अगर बदल जाए जल्द से जल्दी, उसमें हमें बहुत बड़ा फायदा। तो ये है क्वेश्चंस, और भावना एनी अदर इनपुट्स टू बी गिवन? कैन आई आस्क ए क्वेश्चन ऑन माइक? हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? यस प्लीज। सर एक्चुअली हाँ, मेरा ये है कि इस पे एक्सेसिबल वेबसाइट्स बनाने, पहला क्वेश्चन तो ये है कि बनाने के लिए गवर्नमेंट पे या कैप्चा जैसे एक्सेसिबल नहीं होता हमें एंटर करने के लिए ऑल दिस पे, तो क्या कोई एक यूनाइटेड एफर्ट प्रेशर क्रिएट करने के लिए हो सकती है इसमें? दूसरा ये है कि मेरा क्वेश्चन कि एक्चुअली ये जो एस्पेक्ट है कि चीजें हमें चीज लोगों को दे देते हैं, टेक्नोलॉजी उन तक पहुंच जाती है, बट देन दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग हाउ टू यूज दैट, और टेक्नोलॉजी इज नॉट ए स्टैटिक थिंग, इट इज ए डायनेमिक थिंग। आज मेरे को एक प्लेटफॉर्म से मैं मास्टर करता हूँ, तो अगली ऑर्गेनाइजेशन जब इन्वाइट करती है तो कोई नया प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट करती है ऑनलाइन मीटिंग, सो टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एंड डायनेमिक थिंग। तो क्या कोई ऐसा वे है जिसपे हम वेबसाइट और सम मतलब हेल्पलाइन जिसके थ्रू हम जो भी बैरियर आ रहा है और ऑन द स्पॉट हम मिनिमम एफर्ट के उनसे नॉलेज ले पाए? आकाश दीप, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो मेरा शॉर्ट सवाल ये है, शॉर्ट जवाब ये है कि कोविड ने काफी कुछ बदलाव लाया है। कोविड के कारण मैं बैंकिंग नहीं कर पाता था, अब मैं बैंकिंग सीख लिया हूँ, ठीक है जी? हाँ जी। और क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन में इतना जोर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरा अनुमान है कि शायद बैरियर फ्री वेबसाइट भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस मीटिंग में कुछ पॉलिसी मेकर हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इसको जरा फास्ट ट्रैक कर दें। दूसरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि ऐप्स चेंज होते रहते हैं, हम कैसे सीखें? ये प्रॉब्लम खाली आप ही को नहीं है, मुझे भी है। मैं भी बड़े मुश्किल से एक ऐप से दूसरे ऐप में जाता हूँ। पर ये सवाल का जवाब शायद राहुल अपने हाथ उठाए थे, तो राहुल कुछ आप क्या कहना चाहते हैं क्या? So, just couple of points, even if I may add to the questions that came from the audience. And since there, I'm hoping you have a good policy makers, people could listen. There are a couple of questions around universal designs and accessibility and infrastructure. एक जो मेरा observation हमेशा रहा है, whenever we think of disability, we think of an extreme situation. या तो fully blind के लिए solution होता है, so fully mobility disabled. There are also enough problems which are in the partial space. When I say that, I'll give you a very classic example. I can see with a lot of challenge, very limited.
राहुल आपकी आवाज टूट रही है सर, अभी आ रही है? हाँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा मूवमेंट थोड़ा कम कीजिए तो फिर आवाज ठीक आएगी. इज इट एनी बेटर? यस, मच बेटर राहुल, थैंक यू. ओके, सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट देयर इज इनफ टू बी डन इन द पार्शियल डिसेबिलिटी स्पेस. व्हाट आई मीन, सो आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल. आई यूज अ स्मार्टफोन एंड आई डोंट नो इफ पीपल कैन सी दैट. आई ऑल्सो यूज समथिंग, अ कीबोर्ड व्हिच गोज एंड सिट ऑन द टॉप. अब सडनली इसका जो उभराव है इस कीबोर्ड का गिव्स मी एन एबिलिटी टू वर्क. बट मजेदार चीज देखिए, एप्पल तो कीबोर्ड बनाता रही है, एक और कंपनी ने कीबोर्ड बनाना शुरू किया, ब्लैकबेरी ने उसको जाके सू कर दिया. भैया आप तो बनाते नहीं थे, कोई काम कर पाता था आपने उसको भी रोक दिया. सैमसंग बनाता था, सैमसंग ने S7 बनाया, S8 बनाया, उन्होंने सोचा भाई एस्थेटिक्स के लिए अच्छा है. कैन यू बिलीव इट, मैं पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं अपना फोन कैसे अपलोड करूँ. Because just with this small keyboard, I was able to type and take full notes. But a problem क्या है? Technology आगे निकल गई. हम technology के साथ आगे नहीं जा पा रहे. ठीक है? हमें कई चीजें अपने हाथ से कुछ करनी पड़ी. While talking of universal designs, we again stick to full decibels. हम ramp के और लोगों का जो horizon है disability समझने लिमिटेड रह जाता है, या तो व्हीलचेयर तक रह जाता है या मेंटल तक रह जाता है. वेल, हियरिंग वाले के कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, विजन वाले के कई तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं. आई थिंक देयर इज आल्सो अ नीड फॉर गवर्नमेंट टू हैव ओपन प्लेटफॉर्म वेयर कांस्टेंट फीडबैक्स कुड बी पुट इन. मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एंड सिंस आप खुद हॉस्पिटैलिटी में रहे हैं, कंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया लैक्स कंप्लीटली द सेम. अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क उसको पता है यहाँ पे थोड़ा बड़ा दे के कुछ करके निकल जाओगे. भाई क्यों? अगर बाहर मैं विजन का हम बात करते हैं, रैंप होना चाहिए. एक छोटी सी अगर स्टेप के एज पे एक स्ट्रिप डाल दी जाती है, 2D विजन, बिकॉज जब आपकी एक आई डेप्थ एंड डायरेक्शन. सो डेप्थ अगर आपकी एक आई नहीं होती है किसी भी आदमी की, अगर उसकी दूसरी आई बिल्कुल नॉर्मल भी होगी, ही विल हैव अ डेप्थ प्रॉब्लम. आप स्टेप कितना डीप है आप एसेस ही नहीं कर पाएंगे. एक छोटा सा जब आप मार्किंग लगा देते हैं कुछ भी नहीं होता है. Suddenly you are able to accessibility to a lot of people. In schools again, when you talk of accessibility and inclusion, in fact, मैं से आया वापस तो I heard when I was getting my son admitted to a school, you talk about how inclusive you are. They'll say, oh, you know, we have ramps. You're like, thank you. But do you have your teachers who are well trained? So I think काफी काम हो रहा है, but and I'm glad that you know with this new app that's come in, there'll also be a platform where people can put out their voice and sounds. Abha ji ne बहुत ही अच्छा angle दिया है, and I think that should become a part of our universal statements, etiquettes. The way a people in the West will look at you, sir. एक बार मैं लंदन ट्यूब स्टेशन पे आई वांटेड एंड आई विल प्रोबली टेक अनदर 30 सेकंड, आई वांटेड टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड सडनली माय विजन स्टार्टेड ट्रबलिंग मी. मैं वहां पे एक साहब खड़े थे स्टाफ से, मैंने उनको बोला मुझे यहां से यहां जाना है. दे एंड देयर दे कांट दे डोंट कॉल पीपल डिसेबल्ड, दे कॉल पीपल्स वीआईपी. सो ही जस्ट फोन द ड्राइवर इन द फ्रंट एंड सेड आई हैव अ वीआईपी हु वांट्स टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. I don't know how they mapped me. As soon as I got off the point B, there was another guy. He said, Mr. VIP. And he took me and he crossed. This is all in ecosystem. We will understand when we will ingrain a normal social etiquettes ka system. People will understand. I think somebody said it. I think Akash only made that point. There cannot be a category of disabled and abled. It is just that we are differently abled. So, yes, sorry, I slightly deviated from a point of
different apps. Yes, people will thank keep you, Rahul. Thank you. We have a limitation of time. Your points are very, very valid. Ranjanji, I just want to please go ahead. What Rahul Gupta ji has said. Ji. Actually, देखिए मैंने भी गवर्नमेंट में भी काम किया है, पब्लिक सेक्टर में भी, और बहुत लाइफ का थोड़ा देखा है सारा कुछ. तो when it comes to accessibility, having constructed a ramp or having fitted lifts in building, तो ये दो तीन काम कर लेने के बाद में हमारे जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर प्लानर्स और लोग हैं वो सोचते हैं कि हमने एक्सेस इंश्योर कर दिया है. पर आज पीडब्ल्यूडी एक्ट अगर आप देखें तो उसमें 21 डिसेबिलिटी हैं, और जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं सबको एक्सेस की जरूरत है. तो इट इज नॉट ओनली यू नो, इट शुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू जस्ट व्हीलचेयर यूजर्स और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, और या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस इंस्टीट्यूशन में भी हम देखते हैं बस ये दो काम होने के बाद में सोचते हैं कि हमने तो एक्सेसिबिलिटी का जो करना था कर दिया. इवन इलेक्शन डिपार्टमेंट का भी मैंने देखा है कि हाँ हमने व्हील चेयर प्रोवाइड कर दी, हमने जो वहां में स्पेशल बंदोबस्त कर दिए, या एट द मैक्सिमम थोड़ा पर्सन विद विजुअल चैलेंज उनके लिए कुछ थोड़ा कर दिया. अदर कैटेगरीज दे रिमेन बाय एंड लार्ज नेग्लेक्टेड. तो मैं इसके ऊपर एम्फेसाइज करना चाहता था कि जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. थैंक यू फॉर दैट इनपुट जसमीत. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द अदर स्पीकर्स? एक्चुअली इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि ये तो हमें पता है कि क्या करना है, बट हाउ, क्योंकि क्या गवर्नमेंट में अगर लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट से अवेयरनेस नहीं है, ऑल दिस नहीं है, तो उसके लिए व्हाट इज नीड टू बी डन सो दैट एक ब्रॉड हॉरिजन क्रिएट हो. क्या हम हर डिपार्टमेंट में इम्पोर्टेंट की पर्सन को ट्रेन कर सकते हैं जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम इन पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि कोई की पर्सन ट्रेन हो जाए हर डिपार्टमेंट में जो ब्रॉड हॉरिजन की जान रखता हो, या समथिंग एल्स? तो वी हैव टू वर्क ऑन ए रोड मैप. और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, उसका आंसर ये अगेन मैं चाहूंगा कि कोई एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन हो, मतलब जो हम टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस सॉल्यूशंस जहाँ से जानकारी ले पाए, गुणवत्तापूर्ण जानकारी, क्वालिटी इंफॉर्मेशन हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मिल पाए जहाँ पे मेरे को पता हो कि आज मैं अटकूंगा तो मेरे को यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ फॉर दिस बैरियर, पर्टिकुलर बैरियर. तो ये मेरे दो इनपुट्स थे. तो शायद डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल भी इस कॉन्फ्रेंस में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टेक्नोलॉजी इश्यूज है वो जरा नैशकॉम से अगर बात करके काम करें तो ये काम की गति थोड़ी बढ़ जाएगी. और इसके अलावा थ्रू सार्थक अगेन एग्रो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भी एक डिटेल प्लान बना ले, जैसे कि ये रोल आउट बहुत बड़े पैमाने पे हो, जैसे कि GST हुआ और बहुत सारे मुद्दे हुए, स्वच्छ भारत अभियान वगैरह हुआ, उस तरह इसको भी थोड़ा स्केल अप किया जा सकता है. तो आबा जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू आबा जी? नो, नथिंग. वेरी इंस्पिरेशनल, ऑल योर टॉक्स वर वेरी वेरी इंस्पिरेशनल. धन्या एंड एवरीवन एल्स, nice meeting you. Bhavna, any thoughts from you, Bhavna or Dr. Jitendra Agarwal? No, sir. Thank you very much for moderating this panel. And my request to all my colleagues is like, I think with God grace, we have created this app. हमने ये एक mobile app बनाया है, but अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको जमीन तक, हर दिव्यांग जन तक, हर गांव तक पहुंचाएं. और जैसे आपने बताया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग राज्य सरकारों के साथ में इसको लॉन्च करने का प्लान किया है कमिंग डेज में. बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा समय लग रहा है, बट हम इसको हर दिव्यांगजन तक पहुंचाने का काम करेंगे. बिकॉज जब तक ये हर दिव्यांगजन के मोबाइल में नहीं जाएगा तब इसका कोई सदुपयोग नहीं होगा. और उसी श्रेणी में हम लोग लगे हुए हैं और आप सबके आशीर्वाद से. बट मैं जो सक्सेसफुल हमारे सुपर आइडल्स हैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज आप जरूर अपने और दिव्यांग भाई बंधुओं से कनेक्टेड होंगे, तो आप श्योरली उनको भी ये मैसेज दीजिए ताकि वो भी सपने लेने लगे, और अब वो सपने लेने लगेंगे तो उनका भी जीवन सार्थक हो पाएगा. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल.
मेरी लास्ट पॉइंट ये है, जब मैंने बैंक ऑफ न्यूट्रिशन चालू की थी और हमने एक ग्रीन हाउस बनाया था, तो जो सैपलिंग्स की देखभाल धनिया की BMW में सब काम करते थे और उस सैपलिंग्स का संभालते थे। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट को ज़मीन है थोड़ी, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो 400 square feet दे दे ज़मीन उनको। कई लोगों को दो एकड़ ज़मीन है, 3 acre ज़मीन है गांव में, और वो ये 5 पौधे ग्रो करें, मोरिंगा, ड्रमस्टिक, गुआवा, पपाया, नींबू और अनार, व्हाटएवर, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो हम वील नॉट ओनली इम्प्रूव दी मैलनरिशमेंट प्रॉब्लम, बट इसके दूसरे फायदे होंगे कि टेम्परेचर कम हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज को अटेंड करेंगे हम, सॉयल बाइंडिंग होगी, वाटर हार्वेस्टिंग नेचुरली होगी, और अगर बर्ड्स और बीज फिर वापस आ जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो उत्पादन है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये नए नए आइडियाज हमें अपने शहर के अगल बगल चालू करने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में चालू करने चाहिए। तो मुझे तो और कुछ कहने का नहीं है, मेरे ख्याल में 11:30 बज गए हैं, तो वंस अगेन मैं एक मिनट और लूंगा आपका खत्री सर। एक्चुअली जैसे सर ने कॉन्टेक्ट की बात किया, तो मैं आई स्टिल रिमेम्बर 2009-10 में जो कॉन्टेक्ट डायरी था खत्री जी का, वो मैंने बड़ा सदुपयोग किया। उन्होंने उस समय, बिकॉज जैसे क्या होता है ना कि जब आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, इट्स ए नेचुरल फिनोमिना और सबके साथ ऐसा होता है। बट मैंने देखा कि जो उनकी कॉन्टेक्ट डायरी थी, उन्होंने मेरे को दे दिया था डायरी की, आप इससे मिल लीजिए, इससे मिल लीजिए, इससे, लाइक आई थिंक ही शेयर्ड मोस्ट अराउंड 100 कॉन्टेक्ट्स विद मी, और उनमें से कुछ लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे, कुछ के नेगेटिव। वो एक तो ह्यूमन टेंडेंसी होता है, बट मैं जैसे मिस्टर खत्री से मैंने यही सीखा, खत्री सर से, कि जीवन में अगर हमारे पास जो भी कुछ है हम शेयर कर दें, हम किसी को दे दें, तो पता नहीं किसका सपना और किसका कोई चीज ना, एक छोटा सा पेड़ भी बड़ा बड़ा बन सकता है। तो वो सार्थक में जो उनके जो डायरी के कॉन्टेक्ट्स थे बड़े इंपॉर्टेंट रहे, और वो मेरे को लगता है ऐसे ही हम जीवन में सब दिव्यांग लोगों से, सब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सक्सेसफुल दिव्यांग से भी, जैसे अभी 20,000 दिव्यांग जो सक्सेसफुल हुए, उन सबसे मेरा निवेदन प्रणाम के साथ यही रहता है कि आप अब दूसरे दिव्यांग के बारे में सोचिए, बिकॉज ईश्वर कृपा से हम सक्सेसफुल हो गए हैं, हमें एक नौकरी मिल गई है, बट हमें जो हमारे 10 crore भाई बंधु हैं उनके बारे में सोचना है कि उनको भी एक सपना दिखाना है, उन तक मैसेज पहुंचाना है कि आप भी ये कर सकते हैं। तो बस मेरा जो मैंने खत्री सर से सीखा कि अपना कॉन्टेक्ट हम सबको शेयर कर दें और उससे उस कॉन्टेक्ट से पता नहीं कितने लोगों का और फायदा हो जाए, ऐसे मेरा निवेदन आप सब लोगों से रहेगा कि आप भी अपने कॉन्टेक्ट अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इस प्रोग्राम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, दिव्यांगजन तक पहुंचा दें। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र। तो मेरा मैं अभी ये जो बैंक ऑफ न्यूट्रिशन है इसको मैंने 35 गाँव में फैला दिया है, और हमारा ड्रीम है कि ये कम से कम 5,000 गांव में फैलेगा अगले 2 साल में, और अगले 2-3 महीने में करीब 7-8 बैंक ऑफ न्यूट्रिशन चालू होने वाले हैं गांव में। तो मैं जो मेरे साथ जुड़े हुए इस काम में, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के नाम उस गांव में लगने चाहिए। आबा जी, धन्या जी, राहुल जी, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम में ये हो जाना चाहिए। तो मेरी तरफ से थैंक यू वंस अगेन वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपको, यू आर डूइंग गुड वर्क, प्लीज कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू निरंजन सर, थैंक यू सनी सर। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेजेंट वर्चुअल एप्रिसिएशन ट्रॉफीज टू ऑल आवर पैनलिस्ट। सॉरी सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेजेंट वर्चुअल मेंटोर एप्रिसिएशन ट्रॉफीज टू ऑल आवर पैनलिस्ट। ओके, हाउ डू आई डू दैट? So it's here on the screen. Please okay. keep announcing. Okay. So, so I am giving the first virtual plaque to Preeti Srinivasan. We can give a round of applause to Preeti Srinivasan. Next. My friend Dhanya Ravi with her wonderful BMW. Thank you, Dhanya. Thank you, sir. Thank you.
And the next one is for Mr. Rahul Gupta. Thank you, sir. Next, please. थोड़ा सा बता दीजिए इसमें क्या. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So on behalf of screen पे क्या शेयर हुआ ये भी डिस्क्राइब कर दीजिए. स्क्रीन रीड कर दो निष्ठा एक बार. निष्ठा स्क्रीन बताओ क्या है. आकाश जी परोरा थैंक यू जी. सर ऑन बिहाफ ऑफ टीम सार्थक वी वुड आल्सो लाइक टू थैंक आवर मॉडरेटर्स फॉर दिस सेशन एंड वी वुड लाइक टू प्रेजेंट Ram, just a minute. Akashdeep is asking screen pe kya tha, because you have to explain what is there on the screen. Kya dik mila unko? Akashji, there is a memento on the screen with your photo and your name and designation. And therein we have thanked you for being a panelist in this particular session. Okay, so it can be downloaded also? We'll send it to you through mail. Okay. Thanks a lot. Thank you, Akash sir. Jashmi Singh Sani sir, thank you so much for your moderation. Thank you. Niranjan sir, thank you for the comprehensive moderation and insightful thoughts. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you to all the panelists.